Hello, my dear student. Welcome to you, your new class, class 6. Today we are going to discuss about your new chapter of your book, Honeysuckle, How the Dog Found Himself a New Master. This is the second chapter of your book, Honeysuckle. Okay? So now we are going to discuss about your new chapter, and that chapter name is How the Dog Found His Master. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. कुत्ते एक बार खुद के मालिक हुआ करते थे. वे स्वयं में अपने आप में मालिक हुआ करते थे, और जिस तरीके से भेड़ अर्थात यहाँ पे बोल चूंकि प्लुरल्स हो गया बोल का, तो भेड़ियों की तरह वह अपनी जिंदगी जिया करते थे आज़ादी में. जब तक कि एक वैसे कुत्ते का जन्म नहीं हो गया जो इस तरह की जिंदगी से नाराजगी जाहिर करता था, अर्थात वैसे कुत्ते का जन्म हुआ जो इस तरह की जिंदगी जीने में अपने आप को नाखुशी जाहिर करता था. He was sick and tired of wandering about by himself. वह अपने आप से काफ़ी बीमार और थका हुआ सा महसूस कर रहा था चारों तरफ घूमते हुए खुद से. और यह क्यों घूम रहा था और क्यों नाराज और नाखुश था, क्योंकि उसे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और वह भयभीत होता था उन सबों से जो उससे ज़्यादा अधिक ताकतवर होता था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. इसलिए उसने सोचा इस मसले के ऊपर और निर्णय लिया कि वह सबसे अच्छा कार्य वह करेगा, उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ वह होगा कि वह एक ऐसे मालिक की तलाश करे जिसका वह नौकर बने जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो. और ऐसे ही मालिक की तलाश में वह अपने घर से रवाना हुआ. ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज. वह टहलते गया अर्थात जाते रहा, और वह मिला एक अपने ही प्रजाति की एक अपने ही प्रजाति के रूप में जाने जाने वाला एक बड़ा सा भेड़ से जो अधिक ताकतवर था उससे, और उग्र भी था, आक्रामक था. वे आर गोइंग डॉग द वुल्फ आस्ट. उस भेड़ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. उस कुत्ते ने पूछा, सॉरी, यहाँ भेड़ से कि तुम कहाँ जा रहे हो. वे आर गोइंग डॉग, नहीं, भेड़ ने पूछा कुत्ते से कि तुम कहाँ जा रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. तब कुत्ते ने कहा भेड़ से कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जा रहा हूँ जिसको मैं सेवा प्रदान कर सकूँ. Would you like to be my master, wolf? और कुत्ता ने भेड़ से कहा कि क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे. I don't see why not, भेड़ ने कहा, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं मालूम प्रतीत होता है. जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं क्यों नहीं ना कहूँ. The wolf said, भेड़ ने कहा, and this agreed upon the two of them went on together. और इस तरह की सहमति जो है दोनों के साथ हो गई, और वे दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और अचानक भेड़ ने अपनी नाक को उठाया, सूंघा, और तेजी से जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से निकल के भाग गया और चला गया झाड़ी में और गहरे जंगल में.
द डॉग वॉज मच सरप्राइज, इस हरकत से भेड़ के कुत्ता काफ़ी हैरतअंगेज में आ गया और उसने कहा वॉज कम ओवर यू मास्टर, ही आस्ट, कुत्ता ने पूछा कि आपको किस चीज़ ने प्रभावित कर दिया इतना, क्योंकि यहाँ पे कम ओवर यू का मतलब होता है अफेक्टेड यू, किस चीज़ ने आपको प्रभावित किया, है ना। डार्टेड मीन्स होता है मूव्ड क्विकली, तेजी से जाना। किंग्समैन मीन्स होता है फैशन वर्ड और रिलेटिव फर्स अर्थात एक उग्र प्रजाति। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्राइटेंड यू, आपको किसने प्रभावित किया मालिक, कुत्ते ने पूछा, और आप किससे इतने डरे हुए थे, आप किससे इतने डरे हुए हैं। कांट यू सी देयर इज अ बीयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, क्या तुम नहीं देख सकते, भेड़ ने कहा कुत्ते से कि वहाँ एक भालू है और वह खा सकता है हम दोनों को, तुम्हें और मुझे भी। सींग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द ओल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द ओल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। यह देख करके कि भालू उस भेड़ से अधिक ताकतवर था, कुत्ता ने निर्णय लिया कि उससे अपनी जो नाता है तोड़ दें और वह अर्थात भेड़ से नाता तोड़ दे और वह टेक अप सर्विस विद हिम अर्थात भालू से अपनी जो सर्विस है कार्य है वो जोड़ ले, अर्थात वह भालू का गुलाम बन जाए, दास बन जाए, पालतू जानवर बन जाए। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने भालू को छोड़ दिया, सॉरी भेड़ को छोड़ दिया और भालू को अपना मालिक चुन लिया और कहा कि क्या आप मेरे मालिक बन सकते हैं। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली, और इस बात से भालू सहमत हो गया एंड सेड और कहा लेट्स अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और आ फी, चलो हम लोग चलते हैं और एक गायों की झुंडों को ढूंढते हैं, मैं एक गाय को मार दूंगा और तब हम दोनों मिलके अपनी जो इच्छा भर जो हमारी जो इच्छा भर भोजन की है वो अपनी पूर्ति के साथ पूरा कर लेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, उन्होंने देखा और शीघ्र ही देखा कि एक गाय की झुंड वहाँ थी। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचने ही वाले थे वे रुक गए एक भयानक डरावना आवाज के से। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, गायें घूम रहे थे इधर उधर बहुत तेजी से और दौड़ रहे थे परेशानी भरे मुद्रा में सभी दिशाओं में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, तब भालू ने देखा एक वृक्ष के पीछे से और तब वह भी दौड़ने लगा जल्दीबाजी में और दौड़ते दौड़ते घने जंगल में चला गया, कौन, भालू, डर से। फिर आई क्या होता है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, अब लो क्यों मैं यहां आया, कुत्ता ने सेड ही टू द डॉग, भालू ने कहा कुत्ता से, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, यह शेर है जो इन सारे जंगल के हिस्सों पर शासन करता है। द लायन हु इज ही, कुत्ता ने कहा शेर वह कौन है, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम नहीं जानते वह सबसे ताकतवर जानवर है इस पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, अच्छा तब तो मैं आपको भी अलविदा कहूंगा भालू महाराज, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और ऐसा कहते हुए कुत्ता गया और लायन से कहा कि क्या आप मेरे मालिक बन सकते हैं। The lion agreed to eat and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life
and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. शेर सहमत हो गया इसके बातों से और कुत्ता तब उसके साथ रहा और उसका सेवा बहुत समय तक किया। यह एक अच्छी जिंदगी व्यतीत हो रही थी कुत्ता को उस शेर के साथ, और उसको कोई शिकायत नहीं होता था किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से, और वहाँ कोई भी अधिक ताकतवर नहीं था शेर से इस जंगल में, और किसी को भी हिम्मत नहीं होती थी, साहस नहीं होती थी छूने मात्र तक कुत्ते को या उसे कोई दंड देने का किसी तरीके से। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन उनमें से दोनों घूम रहे थे एक सड़क से होकर के, जो तब बीच में ही उसी वक्त बीच में ही पथरीली खुली हुई पथरीली रास्ते के बीच, when all of a sudden the lion stopped, अचानक शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और वह एक बहुत बड़ी गरज के साथ अपने पंजे से जमीन पे क्रोधित होकर के मारा, और उसका पंजा इतनी ताकत से जमी पे गया कि वहाँ एक छिद्र का निर्माण हो गया। Then he began to back away very quietly, और तब वह वापस आ गया वहाँ से बहुत तेजी से। फिर कुत्ते ने कहा, What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. कुत्ते ने कहा कि है मालिक, क्या कोई गलती हुई? बहुत ही हैरानी से कुत्ते ने कहा, क्या कोई गलत होने वाला है क्या? I smell a man coming this way. इस पर शेर ने कहा कि मैं एक आदमी के आने की सुगंध ले सकता हूँ। We had better run for it or we will be in trouble. इससे बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग निकलें, अन्यथा हम लोग समस्या में पड़ सकते हैं। Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. अच्छा, तब तो मैं आपको भी अलविदा कहना चाहूँगा, because I want a master who is stronger than anyone on earth. क्योंकि मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो। और ऐसा कहते हुए और कुत्ता उसे छोड़ के चला गया। And of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और कुत्ता शेर के जो मालिक है उसका था शेर, उसको छोड़ के और चला गया आदमी के पास, मनुष्य के पास, और उस वह रहा मनुष्य के साथ और उसकी सेवा बहुत ही निष्ठापूर्वक विश्वास पात्र की तरह किया, और वह अभी तक हम मनुष्य के साथ एक पालतू एवं वफादार पालतू के रूप में रह रहा है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। यह घटना बहुत समय पूर्व हुआ था, लेकिन इन दिनों अभी भी वर्तमान में भी कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे ईमानदार नौकर के रूप में जाना जाता है, बहुत ही वफादार जाना जाता है, और वह किसी दूसरे मालिक को इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा नहीं मानता है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, दस एंड ऑफ योर हनीसकल चैप्टर 2, एंड आई होप यू हैव लिसन वेरी केयरफुली अबाउट दिस चैप्टर। So if you any doubt, then you can read it carefully again and again, and after that you will understand it very well. Thanks, that's all. Have a nice day to all of you, my dear students.